हाँ, तुम क्यों सुनोगे? और तुम क्या समझती हो, तुम मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचाओगी? मम्मी क्या हो गया आपको, इतने गुस्से से बात क्यों कर रही है रूमी से? मम्मी क्या आप परेशान लग रही हैं? तुम्हें इस घर और घर वालों की क्या परवाह, तुम्हें तो बस अपनी बीवी की फिक्र है। मम्मी प्लीज, मैं रूमी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ हाँ, तुम क्यों सुनोगे? और तुम क्या समझती हो, तुम मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचाओगी? मम्मी क्या हो गया आपको, इतने गुस्से से बात क्यों कर रही है रूमी से? पूछो इससे मैंने कहा था खाना बनाने के, क्या था अगर ये खाना बना लेती, इस तरह से माहिन की तबीयत खराब ना होती, उसे अस्पताल ना जाना पड़ता। माहिन हॉस्पिटल? बस बीबी रहने दो, ये मुंह दिखावे की परेशानी ना अपने पास रखो। तो अम्मी अम्मी, जो कुछ भी हुआ है उसमें रूमी की कोई गलती नहीं है, मैं इसे साथ लेकर गया था और मैंने ही खाना बनाने से मना किया था। आपने जो कहना मुझे कह लें। तुमसे क्या कहूं मैं, मुझे तो लगता है कि तुम पूरी तरह मेरे हाथ से निकल चुके हो, तुम्हें अपनी बीवी के सिवा कोई नजर ही नहीं आता। इसीलिए मैं पसंद की शादी के खिलाफ थी, पहले नबील अपनी बीवी को प्यारा हो गया और अब तुम। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं दो दो बेटों के होते हुए आखिर मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।